हे हेलो एवरीवन, दोस्तों कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों सीबीएसई क्लास 12th का रिजल्ट जिस आधार पर तैयार किया गया है, जिस भेदभावपूर्ण तरीके से तैयार किया गया है, वो सभी आप सभी को पता है। दोस्तों कैसे कुछ छात्रों को जानबूझकर गलत नंबर दिए गए हैं, जबकि उनके क्लास 10th में क्लास 11th में बहुत ही अच्छे मार्क्स थे। कैसे टीचर्स ने और स्कूल से मिलकर छात्रों के साथ भेदभाव किया है। और इसमें दोस्तों कुछ स्कूल तो कह रहे हैं कि हमने अच्छे नंबर दिए, बट सीबीएसई ने नंबर काट लिए। कुछ विद्यार्थियों को इस स्कूल के रेपुटेशन का खामियाजा भुगतना पड़ा, यानी उस स्कूल की रेपुटेशन पिछले 2 साल में ख़राब थी, तो सीबीएसई ने उस स्कूल को और ख़राब नंबर दिया, और जिसको भुगतान दोस्तों 2021 के छात्र कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है कि किसी और के भुगतान कोई और करे। तो दोस्तों आपकी जितने भी क्वेरीज हैं, उन सभी क्वेरीज को, आपके जितने भी प्रश्न थे, मैंने लिख लिया है। और आज दोस्तों मैं 9:30 बजे यहाँ से सीबीएसई ऑफिस जाने वाला हूँ। वहाँ जाने के बाद दोस्तों जो भी सारी बातचीत होगी, उस बातचीत के जो भी नतीजे निकलेगा दोस्तों, मैं आने के बाद आप सभी से साझा करूँगा। और अगर दोस्तों अभी इस वीडियो में अगर मैं रिप्लाई करने में अगर आपका रिप्लाई नहीं कर पा रहा, तो आप समझ जाना दोस्तों कि मैं बस नेट उपलब्ध नहीं है और मैं रास्ते में हूँ। आने के बाद हर एक सवाल का जवाब दिया जाएगा। आपके जो भी डाउट्स हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड दोस्तों, ठीक है, इम्प्रूवमेंट संबंधित, बिना एग्ज़ाम दिए नंबर बढ़ाने संबंधित, क्या स्कूल पर केस किया जा सकता है, वो सारे जवाब दोस्तों, इन सभी सवालों जवाब मैं आप सभी को दूंगा। तो आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए दोस्तों, मैं आपके साथ हूँ। बस आपके सभी के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा दरकार है, क्योंकि दोस्तों मैंने आप सभी से कहा था कि आपको ट्रेंड कराना है ट्विटर पर, अभी वो ट्रेंडिंग में नहीं आया है। अगर 1000 से ज़्यादा ही रीट्वीट किए जाएंगे तभी वो ट्रेंड में बनता है दोस्तों। और मैंने बड़े यूट्यूबर से भी रिक्वेस्ट की थी कि सर आप लोग भी क्लास 12th के विद्यार्थियों के साथ जो भेदभाव किया गया है उसके साथ आएँ, उनके साथ खड़े हों, क्योंकि वो बहुत, उनके पास दोस्तों बहुत ज़्यादा संख्या है, मिलियन सब्सक्राइबर हैं। अगर वो सभी एक साथ मिलकर रीट्वीट करेंगे तो दोस्तों हमारी बात ज़्यादा सुने जाने की पूरी पूरी संभावना है, क्योंकि दोस्तों लोकतंत्र, और लोकतंत्र में जिसके पास ज़्यादा संख्या बोल होता है उसी की बात सुनी जाती है, आप सभी से जानते हैं। बस मैं आप सभी से यही प्रार्थना करता हूँ कि बस आप लोग आज प्रार्थना करें कि मैंने जो भी आपकी क्वेरीज लिखी हुई है उनसे पूछने पर उन सभी क्वेरीज से मुझे जवाब मिल जाए, और वो सारी चीज़ें मैं आप सभी तक साझा कर सकूँ। दोस्तों हमारे वीडियो को प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, और बड़े यूट्यूबर तक इसे पहुँचाएँ, ताकि वो भी आप लोगों के साथ आएँ, क्योंकि दोस्तों अगर वो एक बार साथ आ गए तो हमारा काम और भी आसान हो जाएगा। अकेले कितना मैं लड़ाई कर पाऊंगा दोस्तों, लेकिन आप सभी को प्यार देखकर मेरे अंदर एक प्रकार का जज्बा पैदा हुआ है कि मैं अभी आपके लिए कुछ कर सकता हूँ। भले ही हम संख्या में कम है, लेकिन दोस्तों कोशिश पूरी रहेगी। कहते ना कि कभी कभी वो जो कोशिश छोटी सी होती है लेकिन कामयाबी जरूर मिलती है दोस्तों। तो एक छोटी सी कोशिश आप सभी के अच्छे मार्क्स के लिए, आप सभी के अच्छे कोर्स के लिए दोस्तों कर रहा हूँ। सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।